लोकेशन ट्रैक कर किसी अपराधी को पकड़ना। लोकेशन ट्रैकर से ही जुर्म के कई बड़े खुलासे हुए, यानी इस तकनीक से पुलिस का काम कितना आसान किया है इसको बयां भी नहीं किया जा सकता। लेकिन राजस्थान पुलिस के सामने एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। जो पुलिस अपराधियों या फिर आरोपियों की लोकेशन ट्रैक करती है, भिवाड़ी में पुलिस के अधीक्षक की ही लोकेशन ट्रैकिंग होने लगी। और ये ट्रैकिंग कोई बाहरी या सोशल साइबर वाला नहीं, बल्कि राजस्थान पुलिस के ही कुछ लोग कर रहे थे। कौन है वो SP जिनका लोकेशन ट्रैक किया जा रहा था, और कौन है लोग जो उनका लोकेशन ट्रैक कर रहे थे, और बड़ा सवाल ये कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे थे। तो चलिए अब आपको विस्तार से ये ट्रैकिंग की पूरी कहानी बताते हैं। राजस्थान में इन दिनों नए जिलों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। उन्हीं में एक जिला है भिवाड़ी। भिवाड़ी के जिला अधीक्षक हैं ज्येष्ठा मैत्री। SP ज्येष्ठा मैत्री को शक हुआ कि उनकी लोकेशन ट्रैक की जा रही है। जब उन्होंने इस पर जांच की तो पता चला कि उनके ही महकमे में पुलिसकर्मी गुपचुप उनकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। दरअसल भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री का मोबाइल कुछ समय से ट्रेस किया जा रहा था। 6 अक्टूबर को SP को इसका पता चला। खुद के मोबाइल ट्रेसिंग की घटना सामने आने पर भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक सन्न रह गई। हैरानी की बात यह है कि उनके मोबाइल को कोई और नहीं बल्कि उनकी नाक के नीचे बैठे पुलिसकर्मी ही ट्रेस कर रहे थे। SP ज्येष्ठा मैत्री ने इसका शिकायती पत्र पुलिस मुख्यालय को लिखा। SP की इतनी गंभीर शिकायत आने पर वहां भी हड़कंप मच गया। SP की शिकायत पर पुलिस मुख्यालय ने विभागीय जांच करवाई। बाद में पुलिस मुख्यालय ने भिवाड़ी साइबर सेल के सब इंस्पेक्टर सहित 7 पुलिसकर्मियों को 7 अक्टूबर को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मियों में सब इंस्पेक्टर श्रवण जोशी, हेड कांस्टेबल अवनीश कुमार, कांस्टेबल राहुल, सतीश, दीपक, भीम और रोहिताश शामिल है। ये सभी मिलकर गुपचुप तरीके से अपनी ही जिला SP के मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर रहे थे। SP ज्येष्ठा का कहना है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे ही विभाग के पुलिसकर्मी ऐसा करेंगे। सवाल ये है कि ये पुलिसकर्मी आखिरकार किसके इशारे पर भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक के मोबाइल को ट्रेस कर रहे थे और उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। बहरहाल ये मामला केवल भिवाड़ी और जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बना है। SP ज्येष्ठा मैत्री मध्य प्रदेश के गुना की रहने वाली हैं। उन्होंने 2017 में सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। 2018 में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें राजस्थान कैडर में पहली बार उदयपुर के गिरवा सर्कल में ASP के रूप में पद पर स्थापित किया गया था। फिर उन्हें भीलवाड़ा में SP का पद सौंपा गया। फिर जयपुर क्राइम ब्रांच में DCP के पद पर नियुक्त किया गया। उसके बाद उन्हें सिरोही, कोटपूतली, बहरोड़ में फील्ड में पोस्टिंग दी गई। पिछले दिनों भिवाड़ी SP के पद पर नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्हें खैरतल, तिजारा SP का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।